तो आज का हमारा दिन शुरू होने वाला है वहाँ से। पॉइंट भी नहीं कर पा रहा है भाई मैं, वहाँ से गाड़ी नहीं चला रहे। ये साफ करना है मुझे आज। और जो बंदे और बंदियाँ मुझे पहले से इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं, मैं इसको हमारा फैमिली गाड़ी नहीं बुलाता, मैं इसको बुलाता हूँ छोटा हाथी, क्योंकि दुकान का सारा सामान 90% ऑफ द टाइम यही गाड़ी में आता है। कभी कभार तो इस गाड़ी से चिकन, खसी ये सब भी ट्रांसपोर्ट होता है। एक बार क्या हुआ था, पापा हमारे वहाँ गांव से खसी लेके आ रहे थे, ठीक है, और पीछे देखे कि खसी हो रखा है, तो पापा को लगा कि खसी को बहुत गर्मी हो रहा है, इसीलिए पूरा शीशा वीशा ऊपर करके पूरा एसी वगैरह चला के। देखो भाई, अभी के ज़माने में खसी एसी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, एसी ऑन करके ला दिए उसको घर। तो चलो अब ये डिटेलिंग शुरू करते हैं इसका। ये देख के हमको लग रहा है कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से ख़त्म करना है, कुछ पता नहीं है हमको। डैम ब्रो डैम, मुझे छोटा सा भी आइडिया नहीं है कि इसको साफ़ कैसे करें। अब वैक्यूम क्लीनर है नहीं अपने पास, तो झाड़ू और डस्टपैन से ही काम चलाना पड़ेगा लग रहा है। क्या क्या पड़ा हुआ है, चावल पड़ा हुआ है, देखो चिकन का पूरा फेदर्स वगैरह पड़ा हुआ है, हाथ भी नहीं घुसता है भाई इसके अंदर। तो इतना गंदगी तो निकाल दिए हम, इससे पूरा ऐसे ऐसे करके स्क्रब करके निकाल दिए ये सबको। पर अब यहाँ से उठाने में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये सरफेस तो पूरा प्लेन नहीं है कि डस्टबैन रख दिया और उठा लिया। सो इट्स गोना बी अ बिट ऑफ हैसल। देखिए ये शायद 2020 का सीन ही होगा, पूरा सूख के क्या हो कि अभी डिकम्पोज ही होना बाकी था अभी। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, आई हैड अ स्पेसिफिक रीज़न फॉर कॉलिंग इट छोटा हाथी एंड हियर इज़ द रीज़न व्हाई। चलो भाई साहब, फाइनली साफ़ हो गया। और इसको जो साफ़ करने में पसीना छूटा है ना भाई, देख रहे हो? अब सीट वगैरह उठा देते हैं, उसको सामान वगैरह जो है सब डाल देते हैं, अब नहीं करना है। और एक काम अच्छा है कि बाहर से साफ़ नहीं करना है मुझे गाड़ी, करूँगा भी नहीं, अगर कोई बोलेगा भी तभी नहीं करूँगा आज। ओ भाई साहब, हम सोचे हमारा काम हो गया था, पर देखिए कि ये भी तो इतना ही गंदा है। तो हम ये साफ़ करने के बाद जब सीट से ये निकाले तो देखा कि ये इतना गंदा है, और सीट देखो भाई साहब, अब पूरा सीट का यहाँ पे आना ही है, फिर से करना पड़ेगा जो किए अभी तक। चलो गाड़ी लुक्स बेटर, पर दिस इज़ हाउ माई टी शर्ट लुक्स नाउ, सुपर डर्टी। तो गाड़ी वाड़ी तो साफ़ कर ली है, अब हमारी मम्मी गई है टाउन की तरफ, बिकॉज शी नीड्स टू गो एंड सी अ डॉक्टर। उनका परसों एक PTNR का टेस्ट, परसों के ब्लॉग में कहा था ना मैंने, तो वो PTNR टेस्ट का रिपोर्ट्स वगैरह आ चुका है, वो लेने गई है, और उसके बाद डॉक्टर्स को कंसल्ट करने गई है कि वैक्सीनेशन लगाना है या नहीं लगाना है। और अभी मेरे पापा लंच बना रहे हैं, और ताज्जुब सी बात ये है कि आज भी हमारे घर में लाइट नहीं है। चलो कोई नहीं ब्रो, कोई नहीं, जब लाइट आएगा तब लैपटॉप तो इधर है ही, एडिट कर लेंगे उस टाइम बैठ के। हमारे पूज्य पिताजी यहाँ पे खाना बना रहे हैं, मम्मी से ना, मम्मी की ड्यूटी है सुबह को। क्यों बना दीप खर्चा खानू ने, तो यहाँ पे बन रहा है बीफ। और द स्ट्रेंज थिंग फॉर टुडे इज, आज मैंने उठ के चाय भी नहीं पिया है, एंड इट्स ऑलमोस्ट 12:00 राइट नाउ। थक गया भाई। तो अभी मैंने अपना लंच कंप्लीट किया, और भाई साहब लंच में बना था राइस, बीफ का करी और सैलड, और पापा जी ने इतना ज़्यादा डाल दिया ना, और मेरा आदत है जो प्लेट में आता है कभी नहीं फेंकता मैं। अगर मॉम होती तो शी वुड हैव पुट मेरा नॉर्मल डाइट, पर पहले खाता था मैं उतना, ठीक है, पर अभी के टाइम पे वो आदत छूट गया है उतना खाने का, स्पेशली राइस। मैं नॉर्मली राइस नहीं खाता, और ऊपर से इतना ज़्यादा राइस पड़ गया भाई, मुझे पता है मैंने कैसे खाया है। अभी थोड़ा थोड़ा बारिश का बूंदे वगैरह गिर रहा है, तो
जो कपड़ा वगैरह मैंने धोके सुखाया था कल का नहीं परसों को यहाँ पे, तो ये सब उठा लूँगा मैं यहाँ से। और फाइनली लाइट आ चुका है, बंदू अब करेंगे हम एडिटिंग। हमारी मम्मी टाउन गई थी और टाउन से ये लेके आ गई हमारे लिए। इसको क्या बोलते हैं इस वाली मिठाई को? सही में बोले ना तो इस मिठाई का नाम भी नहीं पता है मुझे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है यार। मैं पहले इसको जब छोटा था जलेबी बुलाता था, ठीक है, सूखा वाला जलेबी। उसके बाद में बालूशाही बुलाता था मैं इसको, बाद में पता चला कि बालूशाही तो दूसरा वाला डिश है, यह तो है ही नहीं। समथिंग ई थ्री समथिंग, आई डोंट नो, बहुत डिफिकल्ट सा नाम पड़ता है इसका। जब पहले छोटे थे, जब ये नया नया निकला था, उस टाइम कैलिम्बाउ में एक ही दुकान में मिलता था, उस टाइम दुकान का नाम था अमृत भोग। वहाँ से 7 या 8 रुपीज़ का पीस मिलता था, ठीक है। और अभी गुरु नाम का दुकान से लेके आए, और अभी इस चीज़ का बढ़ चुका है 2 रुपीज़ 20। पर ठीक है, सैलरी वगैरह भी तो वैसे ही बढ़ रहा है, तो अभी ये खाते हैं। और ये फाइनल क्लिप जो अभी शूट कर रहे हैं उसको लैपटॉप में डाल के चिपका के एक्सपोर्ट मार देते हैं फाइल, और आपको मिलते हैं कल के ब्लॉग में। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज अबाउट द व्लॉगर फ्रॉम द हिल्स, प्रियम गुरु, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। ओ भाई, ये बोलने में ना पूरा सांस फूल गया मेरा, क्योंकि एक ही शॉट में मारने का कोशिश किया मैंने। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड चीयर्स टू लाइफ। मिलते हैं कल एक नया ब्लॉग में, लेट्स ट्राई नया वाला कुछ लाने के लिए, देखते हैं क्या होगा। रेगुलर लाइफ स्टाइल फॉर रेगुलर गाई जस्ट लाइक यू, तो इसीलिए काफ़ी बोरिंग लाइफ स्टाइल है मेरा। डजंट मैटर, चलता है भाई।